Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. अल्लाह ताला की हम दर्जा लाते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें एक ऐसी नेमत से नवाजा जिससे बहुत से मुसलमान बल्कि बहुत से इंसान महरूम हैं, और उस नेमत का नाम है वतन। आज फ़िलिस्तीनी भाई हमारे अपने वतन के लिए परेशान हैं, आज हमारे कश्मीरी भाई अपने वतन के लिए परेशान हैं, और आज हम एक ऐसी सरजमीन पर हैं कि जो दर हकीकत इस्लाम के नाम पर बना। और ये जानकर बाज़ लोग ताज्जुब करते हैं कि 14 अगस्त 1947 27 माह रमज़ान के दिन था, उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं है। तो हम आज वतन से मोहब्बत पर गुफ्तगू करेंगे कि आया वतन से मोहब्बत दीन का हिस्सा है या नहीं है। इस्लाम ने इस बात को वाज़े कर दिया है कि जिस सरजमीन पर तुम रहते हो, अगर उस सरजमीन पर तुम अल्लाह ताला की इबादत और इताअत कर सकते हो तो फिर वहां रहने में कोई हर्ज नहीं। अब वो सरजमीन दो तरीके से आप वहां पर हैं, या तो आपने माइग्रेट किया है जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहाजरीन ने मक्के से मदीना हिजरत की, ऐसे कि अब मक्के में इस्लाम को पूरी तरह से अपना नहीं सकते थे, अब मदीना आपका वतन बन गया। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे अजदाद हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आजाद करवाया, और कहने वाले हर एक अपनी तरह से जो कहें, इसका असल मकसद ये था कि मुसलमानों को एक ऐसी सरजमीन मिले जहां पर वो अपने दीनी रसूमात को, दीनी कवायद और जवाबित और अहकाम को खुल के अंजाम दे सकें। और हिंदुस्तान में आज नौजवान नस्ल देख ले किस तरह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, किस तरह से एक गाय को अगर आपने जरा सा बदतमीजी से टच कर दिया तो उसके कितनी मुश्किलात होती हैं। इंसान अगर इस बात का एहसास करे कि ये मुल्क जिसे इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान कहते हैं, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से न सिर्फ हम पाकिस्तानियों को नेमत के तौर पर दिया है बल्कि आलम इस्लाम के लिए एक मजबूत किला है, अगर इसका हम अंदाजा करें तो हम अपने मुल्क की तरक्की के लिए भी बहुत कोशिश करेंगे, हम अपने मुल्क में रहने वालों के लिए भी बहुत कोशिश करेंगे, और साथ साथ दूसरे मुसलमान भाई जैसे फलस्तीनी हैं, कश्मीरी हैं, और उनकी भी हम मदद करेंगे। लेकिन हमारी नस्लों को पाकिस्तान के बारे में एक ऐसा इमेज दिया गया है कि जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद चाहती है हम यहाँ से जल्दी से निकल जाएं, जबकि इस मुल्क के बारे में आप गौर करें, अल्हम्दुलिल्लाह आप स्टूडेंट हैं, इसको आप देख सकते हैं कि जब आप रोड पे निकलें, खासकर गरीब इलाकों में निकलें, तो आप देखेंगे कि आपको वहां पर भी आम मिल रहा है जैसा पैसे वालों के इलाके में मिल रहा है, वहां पर आपको वही फ्रूट मिल रहा है, क्वालिटी लो होगी लेकिन फ्रूट अपनी जगह पर अवेलेबल, सब्जी अपनी जगह पर अवेलेबल, ये सारी अल्लाह सुब्हान व तआला की नेमतें हैं। सियासी उनवान नहीं देना चाहता, लेकिन इस मुल्क को बहुत से लोगों ने गिद्ध की तरह नोच नोच के खाया, लेकिन फिर भी आज ये मुल्क अपनी जगह पर मुस्तकीम खड़ा है और पाकिस्तानियों के लिए अल्लाह ताला की नेमतें हैं। इसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की खुशनूदी की खातिर मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत जिसमें वो अल्लाह ताला की आज़ादी के साथ इबादत कर सकें की वजह से बनाया गया, और इसमें कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों का बहुत बड़ा किरदार है, और ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा, और अल्लामा इकबाल का ख्वाब हज़रत कायद अजम
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ اسلام کے لیے اتنا بڑا کام کیا کہ کچھ حد نہیں. لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہہ دیا کریں, ہمیں اس میں کوئی بڑی بات نہیں نظر آتی. لیکن آج کا نوجوان اگر یہ سمجھ لے کہ پاکستان ہماری آن بھی ہے, ہماری شان بھی ہے, اور یہ وہ سرزمین ہے جس نے ہمیں اطمینان بھی دیا ہے, سکون بھی دیا. کچھ عرصے یہاں پر چیزیں ہوتی رہیں جس سے بہت سے لوگ جانے گئیں, یا ڈکیتیاں ہوتی ہیں یا موبائل سنیچنگ ہوتی ہے. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, میں اب ملک کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں. میں کسی افریقن ملک میں تبلیغ کے لیے گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ رات کو آپ گاڑی میں نہ نکلیں. میں نے کہا میں تو نکلتا ہوں. کہنے لگے نہیں, آپ رات کو نہ نکلیں, بلکہ دن میں بھی جب نکلیں تو شیشے چڑھا کے نکلیں اور سنبھل کے نکلیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا آپ سگنل پہ کھڑے ہوں گے, آپ کی عینک چھین جائیں گے, آپ کی گھڑی چھین جائے گی, آپ کے اس زمانے موبائل اتنے نہیں ہیں, گاڑی کی لائٹ نکالے جا سکتے ہیں. لیکن لوگ رہ رہے ہیں وہاں پر اور محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جو بعض لوگ بہانے بناتے ہیں کہ جناب یہاں پر امن نہیں ہے, یہاں پر بے امنی ہے, یہاں پر جو نعمتیں ہیں, میں کہتا ہوں کہ although I don't like to compare with West, لیکن ایگزامپل کے طور پر بتا رہا ہوں, وہاں پر ٹیوب میٹرو اسٹیشن رات کو چلے جائیے. میرے بھائی ایک زمانے میں UK میں ہوتے تھے, انہوں نے کہا کہ وی کوڈ ناٹ انٹر, اس لیے کہ وہ ایسی جگہ ہوتی تھی جہاں پر آپ سے کچھ نہ کچھ چھینا جائے گا, مارا جائے گا. ہی ہیڈ ہز اون ایکسپیرینس, اور وہ اکیلا نہیں, میرے دوست. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم بعض چیزوں کو دیکھ کر ایک دم گھبرا جاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس کے علاوہ اس پاک سرزمین میں بحر عرب سے لے کر عربین سی سے لے کر تو کشمیر کی وادی تک ہر طرح کا موسم ہے, ہر طرح کی نعمت ہے. گلگت بلتستان میں اتنا پانی ہے کہ وہاں سے 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اتنا ڈرائی فروٹ ہے کہ وہاں ویسٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے دوسری جگہوں پہ چلے جائیں, یہ پاک سرزمین اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم خیال رکھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی شدید, اگر شکر کرو گے میں نعمتوں کو زیادہ. اور شکر یہی ہے کہ سب مل کر اس ملک کو آباد کریں. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں حب الوطن من الایمان, وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے یا ایمان کے حصوں میں سے ایک ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس پاک سرزمین کو ان لوگوں سے پاک کرے کہ جو اس کے خلاف سازش کرتے ہیں, اور اسے ایک امن کا گہوارہ بنائے, اور پورے عالم اسلام ہی نہیں انسانیت کے لیے بہترین جگہ قرار دے. اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ایک وفا لیتے ہیں, اس کے بعد اگر کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ. ویلکم بیک. اب ہم اپنے ان اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی سوال ان کے ذہن میں ہے, کیونکہ پاکستان کا عنوان وہ عنوان ہے جس سے ہمیں دلی محبت ہے, اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان نسل کو بھی محبت ہوگی. بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علامہ صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہم طالب علم کی حیثیت سے اپنے وطن کے لیے کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ بیٹا, چاہے طالب علم ہو, چاہے پروفیسر ہو, چاہے پڑھا لکھا ہو, چاہے جاہل ہو, پہلی چیز یہ کہ اس کے دل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے. اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرے گا تو اس کے حبیب سے بھی محبت کرے گا, اس کی آل سے محبت کرے گا, اس کے ان کے اصحاب سے محبت کرے گا, اور پھر اس ملک سے محبت کرے گا جو اسلام کے نام پر بنا ہے. اور اگر قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے تو اسٹوڈنٹ اسٹوڈنٹ مل کے اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ہم آج ایک ایسی پوزیشن پر آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جہاں پر ملک کو نوجوان فکر کی ضرورت ہے, نوجوان سوچ کی ضرورت ہے, اور اگر اسٹوڈنٹس مل کے ان مسائل کی طرف توجہ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ 20-25 سال کے اندر پاکستان جو ہے وہ دنیا کے بہترین ملکوں میں سے نہ ہو سکے. علامہ صاحب, میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ پاکستان کو بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں دینی تعلیمات کا نفاذ ہو اور مسلمان اپنے جو دینی فرائض ہیں انہیں ادا کر سکیں, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں
बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं और जो कि दीन से दूरी की तरफ हमें लेके जा रहे हैं और दीन से दूरी हमारी बढ़ रही है, तो इस हवाले से आप थोड़ा कुछ बयान फरमाइएगा। ये देखिए, पाकिस्तान बना तो मुसलमानों की आज़ादी के लिए था, मुसलमानों के तमाम रसूमात को आज़ादी से अंजाम देने के लिए था, लेकिन लोगों के सियासी मकासद आने लगे। और एक मैं बात कहता हूँ, हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, और मैं नहीं कहता कि व्हाट आई एम सेइंग इज द फाइनल, लेकिन जिस मुल्क में निज़ाम इस्लामी नाफिज होना था उस मुल्क में वेस्टर्न निज़ाम नाफिज हो गया। आइडियोलॉजी इस्लामिक, निज़ाम नॉन इस्लामिक। अक्सर अक्सर चीज़ें जो हैं आप जाके देख लीजिए, वो चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो पार्लियामेंट से बिल्स पास होते हैं, लॉज पास होते हैं, उनका इस्लाम से ताल्लुक नहीं होता है। हत्ता जो लॉज बनाने वाले होते हैं उनका भी इस्लाम से। तो हम इब्तिदा में तो एक पटरी पे चले, उसके बाद हमारी लाइन जो है वो चेंज कर दी गई। इसलिए अगर आज एक नई नस्ल आए जो इस्लाम की रूह रखती हो और उस रूह को जिंदा करने के लिए इस्लामी कवानीन नाफिज करे, तो ये उरियानी, ये फहाशी, ये बेहयाई, ये बेदीनी, ये डकैत, ये सब खत्म हो जाएगा। इस्लामी स्टेट में तो मुजरिम का जुर्म साबित हुआ और उसे सजा मिलनी चाहिए। आप देख लीजिए, इस्लामिक स्टेट्स का यही तरीका होता था, लेकिन आज 10-10 साल, 20-20 साल लग जाते हैं, पता चला कि जिसके खिलाफ अब सजा आई है वो पहले मर भी गया है। तो ये हमारी मुश्किलात है कि मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया, कानून गैर इस्लामी लगा दिया। मौलाना साहब, मैं आपसे इसी नुक्ते पर सवाल करना चाहूँगी कि ये जो हमारा मुल्क है, जो हमारा वतन है, इस वक्त सकीमुल हाल है, बर्बाद है, लेकिन इसमें जो उल्मा का किरदार रहा है, आपको नहीं लगता कि इसे बेहतर किया जा सकता था उल्मा की तरफ से, उल्मा इकराम की तरफ से? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि हमारी नौजवान नस्ल ये सोच रही है। देखिए, उल्मा के किरदार के बारे में जब मैं बात करता हूँ, तो पहले तो आलिम कौन है, लेट्स डिसाइड ना, जैसे आप डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं, इंजीनियर डिसाइड कर लेते हैं, आलिम कौन है? आलिम की एक्सप्लेनेशन इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसका कौल और अमल एक हो। और आम इंसान जब माशरे में रहता है तो देख लेता है कि कौन आलिम है, कौन आलिम के ड्रेस में घूम रहा है। अगर जो आलिम दीन है वो पाकिस्तानियों की मुस्बत तरबियत करे, अच्छी तरबियत करे, तो कोई मुश्किल नहीं है। हमारे पास जुमे का खुतबा है, हमारे पास दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने के लिए लोग आते हैं, फिर मजालिस का सिलसिला है, दुरूस का सिलसिला है, और अब तो टेलीविजन चैनल हमें मिल गए हैं। मैं समझता हूँ कि अगर उलमा थोड़ी हिम्मत करें, क्योंकि अक्सर उलमा जो आलिम कहलाने के काबिल हैं वो पीछे रह जाते हैं, हम जैसे लोग जो हैं वो आगे आ जाते हैं। अगर वो आके इंसानों की तरबियत करें तो याद रखिएगा, पाक रूह से जो तरबियत की जाएगी वो पाक तरबियत होगी। इसीलिए आप देखते हैं कि आपके वालिदैन बुजुर्गान किसी बुजुर्ग के पास आते जाते थे, उठते बैठते थे, उनका असर लेकर आते थे। उम्मीद है इंशाल्लाह कि उलमा इन कामों को अंजाम देंगे और आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लामा साहब, मेरा ये सवाल था कि मेरा नाम शाहरुख अली है, और जिस तरह से आपने कहा कि नौजवान नस्ल को ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में सोचे इस वक्त, तो हम लोग एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की है हम लोगों ने, और हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे काम करें, जैसे गरीबों को खाना खिलाना वगैरह, और उससे पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएं, बच्चों को ड्राइंग बुक्स वगैरह तकसीम करना। अब जो मसला हमें पेश आता है वो सब हमसे पूछते हैं कि सिंबल्स ऑफ विजडम ये जो काम कर रहा है, तो ये काम कोई बड़ा काम तो नहीं है, इससे पाकिस्तान को कैसे बदलोगे? तो आपकी इस पर थोड़ी सी राय चाहिए थी कि हम उन लोगों को क्या जवाब दें या किस तरह से जवाब दें। देखिए, कोई भी काम जब शुरू होता है ना तो छोटे से ही बड़ा होता है। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूँ, आम का इतना बड़ा दरख्त है ना, वो एक रात में नहीं बना, वो एक बीज था, वो इतना बड़ा दरख्त बन गया। गंदम जो है, अगर इतनी ज़्यादा गंदम आ रही है, वो एक बीज है। हर बड़ा काम छोटे से ही शुरू होता है। इन्नमल आमालो बिन नियत, अगर नीयत साफ है तो आपका अमल आपको असर देगा। आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि आया लोग हमारी बात को कबूल करते हैं। नीयत साफ, तरीका सही,
नतीजा आपको मिलेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि माह रमज़ान में जहाँ रूहानी इबादत करते हैं वहाँ पर बदनी इबादत करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें। कुछ नहीं कर सकते, दो बच्चों को ट्यूशन दे दें, इसलिए कि स्कूलों का हाल आपको पता है, कुछ नहीं कर सकते। एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, उनको थोड़ा गाइड कर दें, ये खुद आपके इल्म की ज़कात हो जाएगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और हम सबको इस प्यारे मुल्क को एक खूबसूरत मुल्क बनाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इसमें मदद फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।